आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत माहौल शूटिंग वाली चल रही है। आज स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठाया और मौसम भी अच्छा है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्लेजेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच, क्रिकेट मैच की एक सीरीज़ है जिसमें 3 मैच खेले जाने हैं। तो उसी में से एक मैच का आज जो है प्लेग्राउंड में एक मैच हुआ और हम लोगों ने काफ़ी लुत्फ़ उठाया और कल अभी दोबारा दूसरे मैच की तैयारी। दिनेश जी, भोजपुरी फिल्म में आपने तो काफ़ी किया है, अभी काफ़ी दिन से भोजपुरी में नज़र नहीं आ रहा है, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा है कि मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए भोजपुरी के, उसमें से कई मेन लीड किए महुआ चैनल के लिए और काफ़ी सारी फिल्में की, कुछ मेन लीड में भी की, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी किए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत कुछ समस्याएं होती हैं, जो अपना रियल लाइफ होती है, पारिवारिक जो कुछ चुनौतियां होती हैं, तो आपको उनको सेटल करना पड़ता है और आप अपने महज अपने शौक़ के लिए पूरे परिवार को, अपने उत्तरदायित्वों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं चंद साल थोड़ा उन कामों में इंगेज रहा और दूसरा, मैं हिंदी टेलीविज़न की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव हो गया क्योंकि कुछ बड़े बड़े धारावाहिकों में अहम भूमिकाएं मुझे मिलती रहीं और उसमें मैं ज़्यादा काम किया इधर पिछले 4-5 साल में। लेकिन स्टार्टिंग से दिली इच्छा रही और इसी वजह से मैंने भोजपुरी में काफ़ी काम पहले भी किया था, अभी फिर से वापस इस नियत और इस इरादे के साथ आया हूँ कि कुछ अच्छी फिल्में करूँ, कुछ मीनिंगफुल करेक्टर करूँ जिसमें मुझे भी तसल्ली हो और मैं अपने दर्शकों को और भोजपुरी समाज को अपनी तरफ से मैं कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूशन दूँ। महज टाइम पास नहीं, उसमें कुछ अच्छा संदेश हो, अच्छा मैसेज हो और अच्छा प्लॉट हो, अच्छी कहानी हो और कम से कम मेरा भी कुछ अहम और बढ़िया किरदार हो जो मैं दिल से करूं और खुद भी खुशी महसूस करूं और दर्शकों को भी। दिनेश जी, आप बचपन में आपके फैमिली के क्या चाहते थे कि आप एक्टर बने या डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ इस तरह का कुछ? दबाव कभी नहीं रहा मेरे फैमिली की तरफ से, बस ये ज़रूर रहा कि अच्छी एजुकेशन लूं पहले, एक अच्छा इंसान बनूं और उसके बाद बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में भी रहा, वॉलीबॉल में, स्पोर्ट हॉस्टल में मैं रहा और मैंने एमए किया और एमए तक स्पोर्ट्स के चलते मुझे ना ही स्कूल कॉलेज में फ़ीस लगी कभी, मैं स्पोर्ट हॉस्टल में रहा। अभी तक कोई ऐसा सपना अधूरा रहा जो तो पूरा नहीं हुआ बचपन का? हाँ, सपना यही अधूरा है मेरा कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ मैं गिनती पे भरोसा नहीं करता। मैं 20 फिल्में करूं लेकिन बढ़िया फिल्में करूं, अच्छे किरदार करूं, अच्छी कहानियों पर मैं काम करूं, महज नंबर बढ़ा लेने से उस पर मेरा, क्योंकि बाकी ऊपर वाले के दिया मेरे पास काफ़ी कुछ है कि मैं अपनी ज़िंदगी बढ़िया से मैं जी लूँगा। खाली ये नहीं कि पैसे बनाने के लिए ही मैं फिल्में कर रहा हूँ 150, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ बढ़िया फिल्में चाहिए, बढ़िया किरदार चाहिए, बस वो एक भूख, एक ख्वाहिश, मेरी एक इच्छा है जो अभी पूरी नहीं हुई है। और आगे कुछ भोजपुरी फिल्में करने वाले हैं नेक्स्ट? हाँ, अभी इधर 3-4 फिल्में हैं और उसमें 2 हिंदी फिल्में भी हैं अच्छे प्लॉट पे और अभी लाइन से मैं कर रहा हूँ। अभी एक फरवरी में एक हिंदी फिल्म के लिए मिर्ज़ापुर, बनारस, भदोही साइड भी मैं निकलने वाला हूँ और बस आप लोग दुआ करिए कि वापस मैं भोजपुरी में आया हूँ तो इसमें भी बढ़िया काम करूँ और हिंदी भी करूँ और बाकी टेलीविज़न तो मैं कर ही रहा हूँ स्टार्टिंग से। झारखंड सरकार सब्सिडी दे रही है जी, उस पर क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है और न केवल झारखंड, मैं तो ये सोचता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए और सब्सिडी के अलावा और भी जो बन पड़े प्रांतीय भाषाओं को आगे लाने के लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स उस फील्ड में आ सकें, तो हर सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए और ये बहुत ही कहना चाहिए कि धन्यवाद देने वाला देने वाली बात है झारखंड सरकार के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।